हैं आईपीओपी के मनोरंजन पार्क के 37 आकर्षणों में से थोड़े से उदाहरण। ब्रूनो फेरिन ने इन्हें अपने हाथों से बनाया है। तुम्हें अपने पांव आगे रखने हैं, एकदम सीधे, ठीक ऐसे ही, वरना तुम नाक के बल गिरोगे। ब्रूनो फेरिन 85 साल के हैं। उन्होंने करीब 50 साल पहले यहां अपना पहला झूला लगाया था। मेरे लिए ये हर बार खुशी का मौका होता है कि मैं यहां कर देखूं कि मैंने 50 साल में क्या क्या किया है। बहुत अच्छा लगता है कि आप अपनी जिंदगी के बारे में कह सकें कि मैंने अपने सारे सपने पूरे कर लिए। जरा सोचिए। उनके सपने पूरे होने की शुरुआत 1969 में एक ढाबे के साथ हुई। ब्रूनो को जंगल के इस हिस्से से प्यार हो गया। उनकी पत्नी पॉपुलर पेड़ों के नीचे वाइन और वुर्स्ट बेचने लगी, जबकि ब्रूनो ने झूले लगाना शुरू किया। मजेदार बात है कि उन्होंने सब कुछ खुद से सीखा। मैं सिर्फ 5 साल तक प्राइमरी स्कूल में गया हूँ। मुझे गिनतियाँ अब भी याद हैं। मेरे दिमाग में अपने आप आ जाता है कि मेरे झूलों का वजन कैसे काम करता है। स्वाभाविक रूप से मैं गलतियाँ भी करता हूँ। मुझे व्हील ठीक करना पड़ता है, खासकर जब वे बहुत भारी हों या उनका झुकाव ठीक ना हो। ब्रूनो के पार्क की खास बात यह है कि उनके झूलों के लिए बिजली की जरूरत नहीं है। वो भौतिकी की संभावनाओं और झूलने वाले की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। सबसे नया आकर्षण ये झूला है। ब्रूनो बताते हैं कि उन्हें नासा के वैज्ञानिकों की ट्रेनिंग पर एक टीवी रिपोर्ट देखकर इसका आइडिया आया। ये कैरोसेल साइकिलों की मदद से चलता है, जिसे विजिटर चलाते हैं। पैडल चलाने से कैरोसेल घूमता है। ये जितनी तेजी से घूमता है उतनी ही तेजी से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है और सीटें केंद्र से पीछे की ओर जाने लगती हैं। अब जबकि दूसरे अम्यूजमेंट पार्कों पर बिजली महंगी होने की वजह से बंद होने का खतरा मंडरा रहा है, ब्रूनो 85 की उम्र में भी अपने पार्क के लिए भविष्य की योजनाएं बनाने में व्यस्त हैं। बिजली की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि हर झूले में डायनेमो लगा दिया जाए ताकि झूला चलने से बिजली पैदा हो। ये मेरी योजना है। ब्रूनो के पार्क में हर साल 50,000 लोग आते हैं। ये पार्क सिर्फ वीकेंड पर खुलता है और लोगों को टिकट नहीं लेना पड़ता। ब्रूनो कहते हैं कि अमीर गरीब सबको मौज मस्ती का अधिकार होना चाहिए। जब मैं साल के अंत में खाते का लेखा जोखा करता हूं और मुझे 1 यूरो का भी मुनाफा हो जाता है तो ये मेरे लिए संतोष की बात होती है। ये अवधारणा शायद सभी लोग नहीं समझते, लेकिन मेरे लिए काफी है। पार्क में आने वाले ज्यादातर लोग ब्रूनो के रेस्तरां में खाना भी खाते हैं। इस तरह उनका कारोबार आखिरकार फायदे का रहता है और अपना मनपसंद काम करने की आज़ादी ब्रूनो को न सिर्फ खुश बल्कि सेहतमंद भी रखती है। ये खूबसूरत सी जिंदगी है। मैं मूड के हिसाब से फैसला करता हूँ कि आज क्या करना है। है ना दिलचस्प? मेरे प्यारों, ये जिंदगी की कविता है। ब्रूनो ने अपनी पूरी जिंदगी इस अम्यूजमेंट पार्क के नाम कर दी है।